हेलो फ्रेंड्स, मैं छिमरोसिया में आपका स्वागत है। आज हम बात डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट फार्म्स की करेंगे। तो ये इनडिटरमिनेट फार्म्स कितने होते हैं और ये आखिर इनडिटरमिनेट क्यों होते हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट फार्म्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेट फार्म्स की बात करते हैं। तो पहला डिटरमिनेट फार्म्स है के इंटू इन्फिनिटी। जब हम किसी कांस्टेंट को, किसी नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इन्फिनिटी आता है। यहाँ पर के नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये कोई भी नॉन जीरो नंबर है, तो जब हम इसको इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। और दूसरा डिटरमिनेट फार्म है, जब हम किसी कांस्टेंट को या किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जीरो आता है। यहाँ ये नंबर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, अगर कोई नॉन इन्फिनिटी नंबर है तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पर उसका वैल्यू जीरो आता है। और तीसरा डिटरमिनेट फार्म है कि जब हम किसी कांस्टेंट को, किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू जीरो आता है। और चौथा डिटरमिनेट फार्म है, जब हम किसी कांस्टेंट को, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो ये इन्फिनिटी आता है। ये सब के सब डिटरमिनेट फार्म्स हैं और इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और आपको नहीं मालूम है तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि जब हम कांस्टेंट को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा और जीरो से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। अब यहाँ इनडिटरमिनेट फार्म देखिए, तो पहला इनडिटरमिनेट फार्म है जीरो बाई जीरो। अब जीरो बाई जीरो इनडिटरमिनेट क्यों है इसको देखते हैं। तो ये वन अपान जीरो हम इसको लिख सकते हैं, इस डिनोमिनेटर के जीरो को मैंने वन अपान जीरो लिखा, इनटू इस जीरो को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर वन अपान जीरो को हम इन्फिनिटी कहते हैं क्योंकि एनी कांस्टेंट, एनी नंबर अपान जीरो जो है ये इन्फिनिटी होता है। जब हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी होता है, तो वन अपान जीरो इन्फिनिटी हो गया और इनटू जीरो आया। अब यहाँ पर देखिए कि जब हम इन्फिनिटी से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ देखिए जब हम किसी नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। तो इस इन्फिनिटी से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके कारण इसका आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए। और यहाँ पर जब हम किसी कांस्टेंट को, किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू जीरो आता है। तो जब हम इस नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका वैल्यू जीरो आना चाहिए। तो इस इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होने की वजह से इसका वैल्यू इन्फिनिटी आना चाहिए और इस जीरो से मल्टीप्लाई है इसलिए इसका वैल्यू जीरो आना चाहिए। तो ना तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ पा रहा है और ना ही जीरो आ जा रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी और जीरो में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इन्फिनिटी जीरो को मल्टीप्लाई करके जीरो इन्फिनिटी करना चाहता है और जीरो इसको मल्टीप्लाई करके जीरो करना चाहता है, क्योंकि जीरो और इन्फिनिटी की ये प्रॉपर्टी है। तो इसलिए ना तो ये इन्फिनिटी हो रहा है और ना ही जीरो हो रहा है। तो हम इस चीज़ को ना तो जीरो लिख सकते हैं और ना ही इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और इसीलिए ये है इनडिटरमिनेट फार्म। ये इनडिटरमिनेट है क्योंकि अगर ये इन्फिनिटी आता तो डिटरमिनेट होता, अगर ये जीरो आता तो भी डिटरमिनेट होता, लेकिन ये ना तो इन्फिनिटी आ रहा है ना ही जीरो आ रहा है और इसलिए ये इनडिटरमिनेट है। अब दूसरा इनडिटरमिनेट फॉर्म देखते हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, अब हम इसको वन अपान इन्फिनिटी लिख सकते हैं, इनटू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। डिनोमीटर के इन्फिनिटी को वन अपान इन्फिनिटी लिखा, इनटू इन्फिनिटी लिखा। अब यहाँ वन अपान इन्फिनिटी, जब हम किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है, तो वन अपान इन्फिनिटी यहाँ पर जीरो आ गया, इनटू इन्फिनिटी। तो फिर क्या करता है, ये जीरो इसको मल्टीप्लाई करके जीरो बनाना चाह रहा है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो जीरो आता है, तो ये इसको जीरो बनाना चाह रहा है। और इन्फिनिटी से जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, तो ये इन्फिनिटी इसको इन्फिनिटी बनाना चाह रहा है। तो ना तो ये जीरो हो पा रहा है और ना ही ये इन्फिनिटी हो पा रहा है, तो इस चीज़ को हम कुछ लिख नहीं सकते हैं और इसीलिए ये इनडिटरमिनेट फार्म है। तो ये भी इनडिटरमिनेट हो गया। तीसरा इनडिटरमिनेट फार्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी।
अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैसे इनडिटर्मिनेट है? तो यहाँ तो सबसे पहले ये समझिए कि इन्फिनिटी कोई नंबर तो है नहीं, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये एक लार्ज क्वांटिटी को डिनोट करता है, ये एक लार्ज क्वांटिटी को डिनोट करता है, लेकिन ये कितना है ये नहीं मालूम, और ये भी एक लार्ज क्वांटिटी को डिनोट करता है और ये कितना है ये नहीं मालूम। और इनफैक्ट यहाँ पर ये टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है और ये भी टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, यहाँ भी टेंड्स टू ज़ीरो होता है और टेंड्स टू ज़ीरो होता है, तभी ये इनडिटर्मिनेट होता है, टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर ये नहीं मालूम है कि ये कितना है, और ये नहीं मालूम है कि कितना है, लार्ज क्वांटिटी है लेकिन कितना है ये नहीं मालूम है। तो जब ये भी नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम, कितना में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा ये हमको नहीं मालूम है, तो इसलिए ये इनडिटर्मिनेट है। लेकिन अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो इस इन्फिनिटी को हम 1/0 लिख सकते हैं, माइनस इस इन्फिनिटी को भी हम 1/0 लिख सकते हैं, और इस तरह से एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 0 - 0/0 आएगा, तो ये 0/0 आएगा, और 0/0 को फिर से हम इसको 1/0 × 0 लिख सकते, और 1/0 इन्फिनिटी हो गया इंटू जीरो, तो फिर यहाँ पर ये इन्फिनिटी इसको इन्फिनिटी करना चाहता है मल्टीप्लाई हो करके, और ये इसको जीरो करना चाहता है, तो ना तो हम इन्फिनिटी लिख पा रहे हैं यहाँ पर, ना जीरो लिख पा रहे हैं, इसलिए ये भी इनडिटर्मिनेट हो गया। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी इनडिटर्मिनेट होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी आता है और ये डिटर्मिनेट होता है, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में एक लार्ज क्वांटिटी ऐड करेंगे तो लार्ज क्वांटिटी आएगी, लेकिन यहाँ ये लार्ज कितनी है ये कोई फिक्स तो है नहीं, अगर ये फिक्स होता तो ये प्लस माइनस है कैंसिल हो जाता, तो ये टेंड्स कर रहा है और ये फिक्स भी नहीं है, तो ये कितनी है और ये कितनी है, तो कितने में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, और यहाँ से हमने इसको एक्सप्लेन किया तो यहाँ से डिसाइड नहीं हो रहा है कि ये जीरो आएगा कि इन्फिनिटी आएगा, और इसीलिए ये इनडिटर्मिनेट है, जबकि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, डिटर्मिनेट है ये। इसी तरह से इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी होता है, डिटर्मिनेट है। अब चौथा जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो है जीरो इंटू इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी का केस वही बनना है कि ये जीरो इसको मल्टीप्लाई करके जीरो करना चाहता है और ये इन्फिनिटी इसको मल्टीप्लाई करके इन्फिनिटी करना चाहता है, क्योंकि जीरो और इन्फिनिटी की यही प्रॉपर्टी है, इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो इन्फिनिटी आएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आएगा, तो हम इसको कुछ लिख नहीं सकते हैं और इसलिए ये इनडिटर्मिनेट है। पाँचवा नंबर है 0 to power 0। अब 0 to power 0 कैसे इनडिटर्मिनेट है, यहाँ पर देखिए 0 to power infinity, 0 to power infinity अगर है तो ये 0 आता है, डिटर्मिनेट है, क्योंकि 0 to power infinity का मतलब 0 × 0 × 0 इनफाइनाइट टाइम्स, तो इसका वैल्यू 0 ही आता है, और इसलिए 0 to power infinity 0 होता है। लेकिन 0 to power 0 कैसे इनडिटर्मिनेट है इसको हम समझते हैं, तो इस जीरो को हम 1 - 1 लिख सकते हैं, और फिर इसको हम 0 to power 1 × 0 to power -1 लिख सकते हैं। अब ये 0 to power 1 हुआ, इसको डिनोमेटर में करेंगे तो 0 to power 1 हो जाएगा, मीन्स ये 0/0 हो गया, 0/0 हो गया, तो इस डिनोमेटर के 0 को 1/0 लिख दिया हमने, और इंटू 0, अब ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा इंटू 0, तो फिर वही केस बन गया कि ये इन्फिनिटी मल्टीप्लाई होकर इसको इन्फिनिटी करना चाहता है और ये 0 इसको 0 करना चाहता है, तो हम कुछ लिख नहीं सकते हैं और इसलिए ये इनडिटर्मिनेट हो गया। 6 यहाँ पर है इन्फिनिटी टू पावर 0, इन्फिनिटी टू पावर 0 भी इनडिटर्मिनेट है। यहाँ देखिए 0 to power infinity इज इक्वल टू 0 होता है, और इन्फिनिटी टू पावर अगर इन्फिनिटी है तो इसका मतलब इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इनफाइनाइट टाइम्स, तो ये भी इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी होता है,
तो इन्फिनिटी टू पावर इन्फिनिटी इक्वल इन्फिनिटी होता है, यानी ये डिटर्मिनेट है, जिसको हम जीरो लिख सकते हैं या इन्फिनिटी लिख सकते हैं वो डिटर्मिनेट होता है, लेकिन जिसको हम जीरो भी नहीं लिख सकते और इन्फिनिटी भी नहीं लिख सकते वो इनडिटर्मिनेट होता है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी टू पावर जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू पावर जीरो को वन माइनस वन लिख सकते हैं, और फिर हम यहाँ पर इसको इन्फिनिटी टू पावर वन इंटू इन्फिनिटी टू पावर माइनस वन लिख सकते हैं। तो इन्फिनिटी पावर वन अपान इन्फिनिटी पावर वन ये डिनोमेटर में जाएगा, तो ये माइनस वन प्लस वन बन जाएगा, तो ये इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी हो गया। अब फिर इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी ये हो गया, तो यहाँ पर वन अपान इन्फिनिटी इंटू हमने इन्फिनिटी लिखा और ये वन अपान इन्फिनिटी जीरो हुआ, जीरो इंटू इन्फिनिटी हुआ। अब ये फिर जो है जीरो इसको मल्टीप्लाई हो करके जीरो करना चाहता है और इन्फिनिटी इन्फिनिटी करना चाहता है, तो कंट्राडिक्शन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो इसको हम ना जीरो लिख सकते हैं ना इन्फिनिटी, और इसीलिए ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अब देखिए सातवां इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब यहाँ पर टेंड्स टू वन, टेंड्स टू वन टू पावर इन्फिनिटी है, यहाँ टेंड्स टू वन है, तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। यहाँ पर याद रखिए कि एग्जैक्ट अगर वन है, वन टू पावर इन्फिनिटी, वन टू पावर इन्फिनिटी, तो ये एग्जैक्ट अगर वन है तो ये वन होता है। वन टू पावर इन्फिनिटी में, वन टू पावर इन्फिनिटी में वन अगर एग्जैक्ट लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू वन होता है, क्योंकि इसका मीनिंग हो जाएगा वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन इनफाइनाइट टाइम्स, तो इसका वैल्यू वन आ जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा वन इंटू वन इंटू वन एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स, तो वन इंटू वन इसका वैल्यू वन हो जाएगा। तो अगर एग्जैक्ट वन है तो वन टू पावर इन्फिनिटी वन होता, लेकिन टेंड्स टू वन है, पावर इन्फिनिटी है, तो ये इनडिटर्मिनेट होता है। अब ये कैसे होता है, तो यहाँ पर ये समझिए कि अगर ये टेंड्स टू वन है तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट वन के इक्वल नहीं है, वन से या तो थोड़ा सा लेस होगा या फिर थोड़ा सा ग्रेटर होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो वन है टेंड्स टू वन, ये वन से थोड़ा सा लेस है, तो वन से थोड़ा सा लेस हो जाएगा तो 0.9 हो सकता है। तो अब हम 0.9 टू पावर इन्फिनिटी को देखते हैं क्या आ रहा है, तो 0.9 को हम लिख सकते हैं 9/10 टू पावर इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 9 टू पावर इन्फिनिटी अपॉन 10 टू पावर इन्फिनिटी। अब ये 9 टू पावर इन्फिनिटी ये 9 है, तो 9 टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, 10 टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। तो अब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आया, इसको मोन अपॉन इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी लिख सकते हैं, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी हो गया। अब ये वही केस बन गया कि 0 इसको करना चाहता और इसको इन्फिनिटी करना चाहता, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। यहाँ पर वन से लेस हम कुछ भी लेंगे, 0.9 लेंगे, 0.99, 0.999, 0.999 लेते हैं, तो इसका केस यही बनता है कि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है, क्योंकि ये टेंड्स टू वन है, तो वन से थोड़ा सा लेस हमने लिया। अब टेंड्स टू वन है तो वन से थोड़ा सा अगर हम राइट ले लें, 1.1 ले लें इसका वैल्यू, और इसको यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करके सॉल्व करें, तो हम इसको लिख सकते हैं 11/10 टू पावर इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 11 टू पावर इन्फिनिटी अपॉन 10 टू पावर इन्फिनिटी, तो ये फिर ही हो जाएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 0 इंटू इन्फिनिटी। फिर वही केस बना कि ये इसको 0 करना चाहता है और इसको इन्फिनिटी करना चाहता है, तो यहाँ पर हम कुछ लिख नहीं सकते और इसीलिए ये इनडिटर्मिनेट है। तो यहाँ टेंड्स टू वन टू पावर इन्फिनिटी होगा तभी ये इनडिटर्मिनेट होगा, अगर ये एग्जैक्ट वन है तो इसका वैल्यू वन होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सात इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। इसके अलावा जितने भी फॉर्म बनते हैं उन किसी भी फॉर्म में इस तरह का कोई केस नहीं आता कि जीरो इंटू इन्फिनिटी आ जाए। तो मेन अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म कोई निकल करके आ रहा है तो जीरो इंटू इन्फिनिटी आ रहा है, क्योंकि जीरो इंटू इन्फिनिटी ही मेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्योंकि जितने भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं सारे के सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म जीरो इंटू इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। और यही एक ऐसा फॉर्म है कि ना तो हम इसको जीरो लिख सकते हैं और ना ही इन्फिनिटी लिख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो सब डिटर्मिनेट होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर जीरो माइनस इन्फिनिटी है तो इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आएगा,
जीरो में से निगेटिव को सेपरेट करेंगे तो निगेटिव है आएगा, और जीरो प्लस इन्फिनिटी है तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी आता है। तो इन सात फॉर्म्स के अलावा कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं बनता है जिसमें जीरो इंटू इन्फिनिटी का केस बने, तो इसलिए इसके अलावा जितने भी फॉर्म्स होते हैं सब डिटर्मिनेट होते हैं, सिर्फ यही सात फॉर्म इन डिटर्मिनेट होते हैं। तो जब कभी भी हम किसी फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और इन सातों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म आता है तो हम उसको उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, और लिमिटिंग वैल्यू जो हम निकालते हैं तो इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव कर देते हैं और वहाँ से हम डेफिनेट वैल्यू निकाल लेते हैं।